मीडिया के बंधुओं, आपका मैं अपने दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव जो जिसकी पोलिंग 27 फरवरी जस्ट एक महीना बाद होना है, इसी कड़ी में हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इससे हम कितना खुश हैं कितना नाखुश हैं। 5 साल के बाद जब यह कार्यक्रम होता है, जब यह चुनाव होता है, तो सरकारों का आकलन करके हम उसको बराबर रखने का और हटा देने का काम करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज से 7-7.5 साल पहले हमारे देश में एक जादूगर नेता आया, और आप लोगों को सच बात दिखाया कि साथियों, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दीजिए, तो जो विदेश में काला धन जमा हुआ है, उन्होंने एक संख्या भी बताई थी, कितने करोड़ अरब रुपया उन्होंने एक संख्या बता के वो बताया कि जो देश में काला धन आएगा, तो काला धन आप लोगों के खाते में यूं ही 14-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिसके लिए आप लोग 14-15 लाख के लालच में, सभी लोग तो नहीं दिए साथियों, लेकिन कुछ लोगों ने उनके उस 14-15 लाख के लालच में उनको वोट दे करके भारत के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, तब उन्होंने कहा, साथियों पूरे देशवासियों से कहा कि आप लोग, चूँकि एक राज्य में नहीं, एक साथ उस समय भी 5 राज्यों का चुनाव हुआ होना था, तो उन्होंने यह कहा कि आप लोग जनधन खाता खुलवा लीजिए। सब लोग ये तो नहीं कहा कि हम 14-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन जनधन खाता जब खुलने लगा, तमाम हमारी माताएं बहनें और कम पढ़े लिखे लोग, कम समझदार, राजनीति को कम जानने वाले लोग ये समझे कि अब प्रधानमंत्री जी विदेश से काला धन लाने वाले हैं, जो इस खाता खुलवा रहे हैं उस खाते में डालेंगे। साथियों, ऐसी बात कुछ मतदाताओं के समझ में आई, तो 2017 में उन्होंने कहा हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट लिया और झांसा दे करके आपसे वोट लिया कि आपको क्या नाम से 14 लाख रुपए अब मिलने वाले हैं। एक झांसा था जो आप लोग समझ नहीं पाए, जनधन खाते के हिसाब से आप समझे कि हो सकता है जब डबल इंजन की मजबूत सरकार होगी तब विदेश से काला धन आ सकता है, इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। उस पर उन्होंने छल किया चुनाव जीतने के लिए, नोटबंदी करके अपोजिशन की कमर को तोड़ करके चुनाव जीतने का काम किया। आप लोग इस मतलब घटना को अच्छी तरह से जानते हो। इसी तरह से अब जो है वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, न स्मार्ट सिटी बनी, न बुलेट ट्रेन चली, कुछ नहीं कर पाए, तो अब जो है हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हैं, एक लालच के रूप में इन्होंने 5 किलो अनाज देने का काम शुरू कर दिया है, 5 किलो अनाज देने का काम शुरू कर दिया है। वह 5 किलो अनाज साथियों, आप लोग जानते हो 18 रुपया किलो गेहूं है, 18 रुपये केजी गेहूं है, 90 रुपये का, एक महीने में 90 रुपये के दे के वोट लेने के फिराक में है। जैसा कि साथियों, महंगाई इतनी हो गई है कि सरसों का तेल जो आज 4-5 साल पहले गेहूं भी 18 रुपया केजी था और सरसों का तेल भी 80 रुपये केजी था। अगर एक महीना में आप 1 केजी सरसों का तेल खाते हैं, 1 केजी सरसों का तेल खर्च करते हैं, आज की डेट में 220 से 240 रुपये किलो है, 240 रुपये केजी है। 5 केजी गेहूं देके आपसे कितना पैसा लिया जा रहा है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इनके झांसे में नहीं आना है, ये झूठी सरकार है, ये झूठ बोलती है, झूठ बोल के आपका वोट लेती है, फ्रॉड करती है। इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकना है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, माननीय बहन जी के कार्यकाल 4-4 बार आप लोगों ने देखा है, माननीय बहन जी ने कभी इस तरह का प्रलोभन और लालच नहीं देती है, इस तरह का कोई प्रलोभन और लालच नहीं देती है। आपके हमेशा पूरे जीवन की व्यवस्था करती हैं, आने वाली पीढ़ी की व्यवस्था करती हैं, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और योगी बाबा को गोरखपुर भेजने का काम करिए, माननीय बहन जी को लखनऊ भेजने का काम करिए। और
चुनाव की इस कड़ी में जो कि अब जिसके लिए हम आपके बीच में आए हैं, हमें बता देना चाहते हैं साथियों, मैं राम तौलन यादव, मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने उस क्रम में हमको टिकट दिया है। यहाँ से इलाहाबाद जिले में हमारे यादव समाज के लोग भी यहाँ हैं, महेंद्र भाई अभी थे, संजय भाई अभी बैठे हैं, तमाम हमारे यादव भाई हैं, आप लोग जान लीजिए। इलाहाबाद जिले ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में यादव समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए मान्या बहन जी ने टाइम टाइम पर उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजने का काम किया है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि 1993 में पहली बार जवाहर यादव पंडित जी विधायक बने थे, सपा बसपा का गठबंधन था, तब खाता खुला था, उसके पहले चुनाव हार चुके थे। अगर गठबंधन नहीं होता तो खाता नहीं खुलता। माननीय जोखूलाल यादव बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी के ललई शैलेंद्र यादव ललई जी बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुआ करते थे। उसी क्रम में आज आपके बेटे जो ग्राम महीन का रहने वाला है, आपका भतीजा, इसी अगल बगल में हमारी सारी रिश्तेदारी और क्या नाम से नातेदारी है, मैं आपका बीच का बेटा हूँ। इसी क्रम में मान्या बहन जी ने फिर देखा कि नहीं, यादव समाज की जरूरत है इलाहाबाद को, क्योंकि और पार्टियाँ कोई भी मान सम्मान यादव समाज को देने का काम नहीं कर रही थी। इसी क्रम में मान्या बहन जी ने आपके बेटे को आपके बीच में भेजा है कि जाओ बेटा, तुम फूलपुर का प्रतिनिधित्व करो अपने समाज का। आप लोग जान लीजिए साथियों, आप लोग समझ लीजिए, आपका बेटा, आपका भाई, आपके मान सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए हमेशा आपके बीच में रहेगा, 24 आवर्स आपका मान सम्मान बचाने का काम करेगा साथियों। बहुत कुछ ना कहते हुए मीडिया के बंधु भी आए हैं, मैं इस एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, चुनाव जीतने के लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज की ज़रूरत होती है। मत प्रतिशत क्या है? हमारा मत प्रतिशत जो कोर वोटर का मत प्रतिशत है, अगर वो 70 से 80% डाल देता है तो स्वतः ही अपना विधायक बना लेगा। इसलिए पोलिंग के दिन जिस दिन वोट पड़ेगी, हर घर के गार्जियन की जिम्मेदारी होगी कि 100% अपने घर का वोट निकाले, किसी बहाने से किसी कारण से एक भी वोट घर में रह ना जाए। सब लोग अपने घर की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हमारे यहाँ हम दावा करते हैं कि हम कम से कम यहाँ 80 से 90% पोल कर सकते हैं और अपना विधायक बना सकते हैं। और जब अपना विधायक बनाएंगे, 202 की संख्या जब पार होगी, उधर मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रत्याशी।